लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले तो हमको ऐसा सांसद मिला नहीं था और आपको एक डेढ़ साल के लिए हम लोग टाइम दिए तो आपने इतना काम कर दिया। आज हम पिछली बार प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते थे, इस बार भी 400 से ज़्यादा सीट जीत करके और प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ जनता आपसे खुश है? बहुत खुश है। चुनाव आ रहा है उसमें क्या कहेंगे? चुनाव आ रहा है और फिर चुनाव लड़ेंगे हम लोग और फिर आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे। एक वीडियो देखें, कोई पत्रकार आपसे पूछ रहा था कि आपका टिकट कट गया, क्या इसे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा टिकट क्यों कटेगा? मेरा तो आजमगढ़ में, जब आजमगढ़ की जनता ने मुझे चुना तो हम लोगों को एक डेढ़ साल मौका जो मिला उसमें हम लोगों ने इतना काम किया कि पिछले दशकों में भी ऐसा काम नहीं हुआ था कभी। तो जनता बहुत खुश है इस बात को लेकर। आजकल तो हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं तो उनके प्रतिक्रिया को भी जान रहे हैं, तो गांव के लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले तो हमको ऐसा सांसद मिला नहीं था और आपको एक डेढ़ साल के लिए हम लोग टाइम दिए तो आपने इतना काम कर दिया आजमगढ़ में, 5 साल के लिए देंगे तब तो और ज़्यादा काम होगा। तो जनता जो है वो चाहती है कि फिर से हम लोग यहाँ पे आएँ और जनता की सेवा करें। तो ये आपको एक जीते हुए एक साल से ऊपर हो रहे हैं, तो कोई काम ऐसा छोटा हो जो चुनाव से पहले आप करना चाहते हैं? मेरा देखिए, एक तो रेल का काम था, वो तो सर्वे पूरा हो गया, अब वो काम शुरू हो गया, सबसे उसी पे हम लोगों का फोकस था। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है आजमगढ़ का वो बन रहा है और बहुत शानदार स्टेशन बन रहा है। जो हमारा एयरपोर्ट था उसका भी लाइसेंस मिल गया और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाए। उसके अलावा एक और काम है जो आजमगढ़ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो काम है आजमगढ़ का मास्टर प्लान महायोजना लागू करना। और उसके लिए हम लोगों ने हमारे महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से कई बार हम लोगों ने उस पर आवेदन किया है और परसों उसकी मीटिंग भी हुई है, पूजनीय महाराज जी ने मीटिंग किया है। अब किसी भी पल वो जो है आदेश पारित हो सकता है और वो हो गया तो समझिए कि जैसे बनारस है, जैसे गोरखपुर है, वैसे ही आजमगढ़ का चप्पा चप्पा चमक जाएगा और महायोजना को लागू कराना ही हम लोगों का अब जो है वो सबसे बड़ा कार्य है। तो हम लोग गांव गांव घूमते रहते हैं भैया जी, लोग जनता बोलती है कि अगले हफ्ते और पेपर में पड़ेगा, अगले रविवार से उड़ान भरेगी, चाहे अगले हफ्ते से उड़ान भरेगी, मतलब सच कब आएगा कि ताकि अगले हफ्ते में उड़ान भर जाएगी? ये देखिए प्रक्रिया होती है। अभी नंबर पहले था अयोध्या का, अयोध्या को प्राथमिकता पर रख करके पहले वहाँ से उड़ान शुरू की गई है और उसके बाद नंबर है आजमगढ़ का। तो अयोध्या के बाद आजमगढ़ पे ही फोकस है सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी। तो अब हम लोग इसीलिए ये बात बार बार कह रहे हैं कि किसी भी समय शुरू हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के बाद ही इसका नंबर था। हम जहाँ भी जाते थे वहाँ हमको यही कहा गया कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आपका आजमगढ़ करेंगे। राम मंदिर 22 तारीख को जाएंगे? ज़रूर, आजमगढ़ से हम लोग पूरी तैयारी में है और 22 तारीख को हम लोग अयोध्या में रहेंगे। इस जो सदी का सबसे बड़ा काम है, जो 500 साल से इंतज़ार था जिसका, वो होने जा रहा है 22 तारीख को। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। कोई आजमगढ़ में आपके क्षेत्र में मतलब कोई ऐसा पर्यटक बनाना चाहते हैं जहाँ पर जनता है इकट्ठा होकर अपना आए? हाँ, मैंने इस पे प्रस्ताव दिया है कि जो पुरानी जेल है वो शहर के बीचों बीच एक बड़ा जगह है जहाँ पर हम लोग चाहते हैं, और हमने महाराज जी से निवेदन भी किया और उनको पत्र भी लिखा है कि उसको अगर एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए जहाँ पे कि शहर भर के जितने वेंडर हैं उनको भी अपना दुकान लगाने के लिए मिल जाए, वहाँ अच्छा पार्क बन जाए, वहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा हो जाए और अच्छे से उसको डेवलप कर दिया जाए। तो आजकल मुंबई से हर महीने आप देख ही रहे हैं कि 2-3 फिल्में यहाँ आके शूट हो रही है, तो हमारी शूटिंग के लिए भी एक अच्छा वो बन सकता है। मुझे लगता है 4-5 फिल्में अभी शूटिंग कर दी होंगे। मैं तो 8वीं फिल्म शूट, 8वीं फिल्म
और उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट हो रही हैं, अनेक अनेक कलाकार आए हैं। हाँ हाँ, सब लोग अभी ज़्यादातर लोग आते हैं आजमगढ़ शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत लोग सहयोग करते हैं शूटिंग में, कोई परेशानी नहीं होती है, तो ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ शूटिंग करने। और कहना चाहते हैं भैया जी कि ABM प्ले पर सवाल खड़ा हो रहा है कि तमाम दिल्ली से जंतर मंतर कहाँ कहाँ धरनाएँ चल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो देखिए, उनका भ्रम है विपक्ष का, और उनको इसी भ्रम में रहने दीजिए। और जैसे पिछली बार प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते थे, इस बार भी 400 से ज़्यादा सीट जीत करके और प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहते हैं आजमगढ़ जनता जो जो भी सुना आ रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह आप चुनाव लड़ेंगे अबकी बार? मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने भरोसा दिखाया, तो एक साल में, एक डेढ़ साल में ही हम लोगों ने जो जो वादा किया था वो सब काम करके दिखाया हमने। अब जो चुनाव हो रहा है उसमें जब आप हमको चुनेंगे तो हमारे पास 5 साल होगा, और 5 साल में 50 साल का काम करने की क्षमता हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और जब मैं जाता हूँ कुछ भी मांगने के लिए, कहने के लिए, तो तुरंत मिल जाता है आजमगढ़ के लिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 50 साल से जो मांग सब लोग कर रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई नई मांग लेके गया था, ये मांग 50 साल से थी पर वो कभी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आजमगढ़ में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं रेल मंत्री जी के पास गया, प्रधानमंत्री जी के पास गया, और तत्काल वो काम हो गया, और अब जो है आपका आजमगढ़ गोरखपुर और बनारस से सीधी रेल लाइन से जुड़ने जा रहा है। ये तभी संभव हो पाया जब आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। जी, आखिरी सवाल आपसे है, आई रेजिमेंट को लेकर आप सवाल उठाए थे, तमाम चर्चाओं का विषय बना था, उस पर क्या हो रहा है? आई रेजिमेंट पे मैंने मांग रखी थी और वो जायज़ मांग है, उसको होना ही है जब हो जाए, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या होता है कि कोई चीज़ की मांग जो समाज उठाता है वो सरकार के साथ कितना सहयोग करता है ये भी डिपेंड करता है। तो मैं सभी अपने समाज के लोगों से, सभी यादवों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट बने, तो आप लोग जिस गांव में आपकी बहुलता है, जिस बूथ पे आपकी बहुलता है, वहाँ इतना कमल खिलाइए आप कि आप दिखा दीजिए कि हम सरकार के साथ में हैं, सरकार आपके साथ हो जाएगी और आपका काम एक मिनट में हो जाएगा, ऐसे चुटकी में हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब तक आप ये दिखाएंगे कि जो सरकार का विरोध कर रहा है आप उसके साथ हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगी, फिर वो बनने में अड़चन आएगी। तो आपको चाहिए कि आपके समाज के लिए ये अहिर रेजिमेंट बन जाए, तो उसमें पहले आप अपना योगदान दिखाइए कि जहां आपका बूथ है, जहां यादव ज़्यादा हैं, वहां कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं, वो करिए आप, देखिए कैसे खट से बन जाएगा अहिर रेजिमेंट। बात करने के लिए भैया आपसे 3-4 बार इंटरव्यू किया, गाना आपके भी नहीं सुना है भैया, हमेशा बोलते हैं सुना देंगे। अच्छा, आप गाना सुनना चाहते हैं, आपको मस्त गाना सुना रहे हैं जो आजकल हम लोग गांव-गांव में सुना रहे हैं। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है, चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद, ये बात करने के लिए ही कहेंगे कि आजमगढ़ के सांसद थे, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, और ये कहना चाहते हैं कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, बाकी यहाँ से तमाम चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे शूटिंग हुई थी, क्योंकि बस यही कहेंगे वीडियो दोबारा शेयर कीजिए।